caught in the crossfire. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ ट्रेंडिंग जोकर। सो आज हमारे साथ में मयूर नहीं है। आज हम वापस से एक रोड ट्रिप प्लान किया हमने और हम जा रहे हैं मंदसौर से जयपुर। और हमारे साथ में अब की बार है हमारे मामा श्री शुभम जी। तो ये हम आपको पूरे वीडियो में दिखेंगे, जितने भी आप सीरीज आएगी 2-3 व्लॉग्स की। तो आज का प्लान है हमारा मंदसौर से जयपुर, और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग अराउंड 5:55। तो हम निकलने वाले हैं यहाँ से। तो आज का क्या प्लान है, मतलब आपका अपना? आज का बहुत ही अच्छा टूर होने वाला है। हाँ, और अभी अपन चल रहे हैं यहाँ से। ठंड कैसी लग रही है? ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब ये आप पीछे का व्यू भी देखेंगे तो बड़ा अभी अच्छा हो रहा है। 6:06 होने वाले, और आप एक बार देखो पूरा अंधेरा है चारों तरफ। तो आपको मिलते हैं रोड पे, बाय। तो अभी हम पहुँचे हैं चित्तौड़, और चित्तौड़ में हम रुके हुए हैं, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम नाश्ता के लिए रुके हैं। सुबह के हो रहे हैं अराउंड 8:40। अभी हम जयपुर से ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर दूर हैं। तो अभी बस फूड इंजॉय करते हैं, फिर आपको मिलते हैं सीधे रोड पर। जयपुर पहुंच चुके हैं हम, बस अभी जयपुर के आउटस्कर्ट में चल रहे हैं। तो यहाँ से सीधे हम जा रहे हैं होटल। होटल पहुंचने के बाद हम आपको सीधे होटल का टूर देते हैं, कैसा है होटल। अब इसके बाद सीधे होटल में मिलते हैं। तो होटल पहुंच चुके हैं हम, अभी जस्ट यहाँ पे हम आए हैं। बहुत अच्छा इंटीरियर है होटल का, हम आपको इंटीरियर दिखाएंगे इन 3, 2, 1। होटल में आ चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं। आपने बिल्कुल देखा होगा कितना हेरिटेज टाइप का लुक है पूरे होटल का, पूरा ओल्डिश लुक है पूरा यहाँ का। और अभी हो रहे हैं अराउंड कुछ 3:43। तो हम सोच रहे हैं कि
कोई एक दो प्लेस विजिट कर लेते हैं, तो कहाँ पे चलने की सोचते हैं? हवा महल जो यहाँ का प्रसिद्ध है, हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि वहीं चला जाए। तो हवा महल जाने की सोच रहे हैं। अभी 3:43 हो रहा है, 5 PM अराउंड बंद हो जाता है शायद, देखते हैं वहाँ पर कुछ जाते हैं, हो सकता है तो इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे, वो नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डालने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जहाँ पे भी जाना होता है। तो हवा महल की जगह पे हम सिटी पैलेस, जैसा बताया था, हम सिटी पैलेस आ चुके हैं। ये पीछे पूरा सिटी पैलेस है और हमने गाइड भी किया है जो हमको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये साथ में हमारे साथ में गाइड भी है। फैमिली है वो कच्छावा राजपूत है, कच्छावा राम के वंशज हैं और इनका निकास ग्वालियर से है, नरवरगढ़ से दौसा, दौसा रामगढ़, रामगढ़ से आमेर और आमेर से ये जयपुर शिफ्ट हुए। महाराजा सवाई जय सिंह आफ्टर 1947 के बाद में इन रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अभी जो 1947 के बाद में अभी जो महाराजा हैं वो करीब 200 महाराजा ऑल रॉयल फैमिली दे लिव इन इंडिया है ना। 500 साल राज किया और 200 साल करीब ब्रिटिश लोगों ने राज किया। आफ्टर 1947 के बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो इसमें क्या है कि सभी रियासतों का एकीकरण कर दिया गया है और राजस्थान का नाम था राजपूताना, इसको राजस्थान लैंड ऑफ द राजाओं की ज़मीन। 1947 के अंदर जिन राजाओं ने ट्रस्ट बना दिया वो आज भी रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टीज है, और जिन्होंने ट्रस्ट नहीं बनाया वो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली जो टैक्स वगैरह। फिर बाद में इनको ऐसी रिबेट दी गई कि जो भी महाराजा अपने पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट करना चाहें, तो 1959 में महाराजा मान सिंह जी ने इस पैलेस को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। इसका पूरा नाम है महाराजा सवाई मान सिंह सेकेंड म्यूजियम, जयपुर, बिल्ड बाई महाराजा सवाई जय सिंह। जय सिंह जो थे आमेर के लास्ट महाराजा थे और जयपुर के फर्स्ट महाराजा थे। जयपुर जो बनाया है वो 9 किलोमीटर में है, 7 doors हैं और ऊंची दीवारें हैं। इसको पिंक सिटी और पेरिस ऑफ इंडिया कहते हैं। पिंक सिटी 1867 में प्रिंस वेल्स इंग्लैंड के राजा आए तो महाराजा राम सिंह जी ने इसको जयपुर को पिंक करवाया। पिंक इट मीन्स वेलकम सिटी, वेलकम सिटी। फिर महाराजा राम सिंह जी ने नए जयपुर का विस्तार किया, रामबाग होटल, आपके रामनिवास गार्डन, ये सभी राम सिंह जी के द्वारा बनाए गए। राम सिंह जी को फोटोग्राफी का शौक था, ही वाज फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट है, वो हमेशा शिव के भगत थे। अभी पद्मनाभ सिंह जी 25 साल के हैं, वो यहाँ के ऑफिशियली राजा हैं। अच्छा। फिर उनकी सिस्टर है गौरी, वो इटली के फ्लोरेंस में पढ़ती हैं, और तीसरे नंबर के हैं लक्ष्य राज, वो आपके मेयो स्कूल में पढ़ते हैं। तो अभी हम सिटी पैलेस विज़िट करके आए हैं, ऑलमोस्ट हमको 2 से 3 hours लगा है, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि आप गाइड ज़रूर करें, लेकिन नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अंदर क्या, क्योंकि अंदर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़ियम है और वेपन का म्यूज़ियम है, क्लोथ का म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ों का म्यूज़ियम है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप कोई गाइड कर ले, वो आपको प्रॉपर बिल्कुल गाइडेंस देगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन से ईयर में आई थी, सब कुछ। और मेन बात ये कि अंदर आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हमने जो ओनली बाहर का जो था एक्सटीरियर जो था वो रिकॉर्ड किया हमने, अंदर का तो कुछ रिकॉर्ड करना कहीं पे भी कुछ भी अलाउ नहीं है। तो लेकिन बिल्कुल मस्ट प्लेस, विजिट प्लेस है ये सिटी पैलेस। और अब इसके बाद हम जा रहे हैं बाहर, देखते हैं नेक्स्ट प्लेस कौन सा जाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। 2 hours later सो आज
पूरा ट्रेवलिंग हुआ है और सिटी प्लेस भी हमने विजिट किया है। उसके बाद अब एडिट कर रहे हैं, सेम डे हम वीडियो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमने शूट किया है आज ही हम वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा थक चुके हैं आज हम, क्योंकि कितना किलोमीटर हमने चलाया होगा? ओवरऑल अपन ने 500 किलोमीटर समथिंग, 500 ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर पहले काट रहे कि फिर यहाँ पे आए, फिर रेडी हुए, फिर सिटी पैलेस विजिट किया, अब वापस आए हैं, खाना खाया है, अब लगे हैं वापस से एडिट करने में। आज का वीडियो आज ही हम पोस्ट करेंगे ताकि सब हमारे साथ में, कल का वीडियो भी हम कल पोस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि सब साथ में एंजॉय कर सके वीडियोस को। तो आज के लिए बस इतना ही, कल वाले वीडियो में मिलते हैं जो इसका सेकेंड पार्ट होगा, जहां पर हम आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट जो यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर के, वो तीनों कवर करेंगे हम, उसका तीनों का कंबाइन एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय।